अरे यही तो वक्त होता है मर्दों को अपनी बीवी की सेवा करने का। ये नहीं मानेंगे। अरे महारानी तू भी क्या याद करेगी कि खाना बनाया है, मेरी उंगली जल गई थी मालूम है, लो चक्के देखो तो चटपटा है कि नहीं। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। अरे जानी देखो प्यार क्या क्या करवाता है, आज हम रसोईया बन गए रसोईया। अच्छा देखो इस बार जोर लगाना ताकि लड़की पैदा हो, हमारी जिंदगी में एक ही तो कमी है सिर्फ एक बच्ची की, वो आनी चाहिए जरूर। हाँ जरा सांस रोके रखो, इस बार लड़की ही आएगी अपनी। हाँ लड़की आएगी। अरे उछल कुछ सुनाई दे रहा है, मालूम होता है जरूर लड़की आएगी, ये बड़े होके बड़ी शरारती होगी तुम देख लेना। आप ही की तरह। ये परिवार का सुख भी नसीब वालों को ही मिलता है। अब राजेश्वर साहब को ही देख लीजिए, भगवान ने उन्हें सब कुछ तो दिया है मगर एक बीबी का साथ और औलाद का सुख नहीं दिया। आपके तो वो दोस्त की तरह हैं, आप उनसे दूसरी शादी करने के लिए क्यों नहीं कहते? मेरी बीवी ने भी यही कहा था जब वो पहले बच्चे की उम्मीद से थी कि अगर मैं इस दुनिया में ना रही तो तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उससे कहा था कि मैं इतना बदनसीब तो नहीं कि तुम मुझसे पहले मर जाओ, लेकिन अब सोचता हूं कि मैं इतना खुश नसीब भी तो नहीं कि दूसरी शादी करके अपनी पहली बीवी की मोहब्बत को पा सकूं। डरता हूं कि कहीं फूलों की सेज की आरजू में कांटों के बिस्तर पर न लेट जाऊं। सेठ जी अगर आपके दिल में यही खौफ बैठा है तो फिर गोद ले लीजिए किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा, आपके इस घर में आपके जीने के लिए एक बच्चे का होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे के खानदान का पता ना हो मैं उसे अपना नहीं सकता, और जो खानदानी हो वो भला अपने कलेजे के टुकड़े को काटकर मेरी झोली में क्यों डालेगा? तो फिर भगवान से मुराद मांगिए, कौन जाने उसकी रहमत से आपकी मुराद पूरी हो जाए। उतरो, उतरने की तैयारी करो सब लोग, कमान वन बाय वन, कमान। राजेश्वर को कितना प्यार है बच्चों से और भगवान ने इन्हें ही औलाद नहीं दी। सही बात है, भगवान सबको सारे सुख कहाँ देता है। तुम शैतान अभी तक। बाय बाय। सुनो जी, आपको एक बच्ची की आरजू थी ना, आपकी मुराद पूरी हो गई। एक फूल सा बेटा और अब एक बेटी, मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। राजेश्वर बाबू, अश्विनी की यहाँ बेटी पैदा हुई है। अच्छा मुबारक हो अश्विनी, एक बार फिर तुम्हारे चमन में बहार आई है। मिठाई लाया हूँ, अपना और अपने पड़ोसियों का मुंह मीठा करो। अरे आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। आप यहाँ तक आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इंसान बड़े खुदगर्ज होते हैं अश्विनी, और आज जो मैं ये चलकर तुम्हारे घर आया हूं तो इसमें भी मेरी एक गर्ज छुपी हुई है। मुझ जैसा मामूली इंसान जिसे आपने हमेशा अपना करीबी दोस्त समझा, उसके लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि वो आप जैसे दोस्त की गर्ज पूरी कर सके। याद है अश्विनी, एक बार तुमने कहा था ये दुनिया भगवान के मानने वालों से खाली नहीं। उस वक्त मैं अगर तुमसे तुम्हारा बेटा, तुम्हारे जीने का सहारा मांग लेता तो तुम्हारी झोली खाली हो जाती, पर भगवान मुझे
मेरी इस खुदगर्जी पर कभी माफ नहीं करता। दोस्ती और भगवान दोनों एक ही तो हैं सेठ जी। उनके नाम पे देने वाला ये कहां सोचता है कि उसकी झोली में कुछ बचेगा या उसकी झोली खाली हो जाएगी। तो फिर अश्विनी, आज तुम अपनी बच्ची मेरी झोली में डालकर मेरे सोने घर में किलकारियां बिखेर दो। हाँ सेठ जी। पहले वो पत्थर लाके माँ के कलेजे पे रखिए जो आपने अपने दिल पे रखा है। पार्वती, बेटियों को इस तरह घर से विदा नहीं किया जाता। ये मैं भी जानता हूँ पार्वती, लेकिन लड़कियों को हमेशा पराया धन कहा गया है। वो जन्म एक घर में लेती हैं, जीवन दूसरे घर में बिताती हैं। एक ना एक दिन हमें इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर किसी दूसरे के घर भेजना ही होगा। तो ये समझो कि वो दिन आज ही आ गया। ठीक है, अगर भगवान की यही मर्जी है तो मुझे अपने अरमान पूरे कर लेने दीजिए। लीजिए सेठ जी मेरे दिल का टुकड़ा, आज से आपके दिल का टुकड़ा। आखिर बात दिल ही की तो है। देखो हम अपने सुमन बेटी के लिए ये गुड्डा लेकर आए हैं। देखो मारो इसको, मारो बिशु बिशु, मारो मारो। ओ, बंदर को देख रही हो? बंदर के पास जाना, आओ आओ। हम अपने सुमन बिटिया को गाड़ी में बिठाकर बंदर के पास लेकर जाएंगे। बंदर ये आया, ज़ूम। आप नाराज मत होइए, मैं आपके कपड़े साफ कर देती हूँ। आप अपने कपड़े उतारिए। क्या आप क्या कह रही है? सबके सामने मैं कपड़े उतार कर नंगा हो जाऊँ? एक तो आपने कपड़े गंदे कर दिए और ऊपर से आप मेरा मजाक उड़ा रही है। पहले आपका नाम बताइए, मैं अभी और इसी प्रिंसिपल से। प्लीज आप शोर मत मचाइए, सब देख रहे हैं। प्लीज क्यों क्यों शोर क्यों ना मचाऊं जब आपने काम ऐसा किया है? देखिए अगर ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई तो हो सकता है वो मुझे कॉलेज से निकाल दे। आप ये शायद जानते नहीं, मैं एक अनाथ लड़की हूं। कोई देवता मेरी परवरिश कर रहा है। अगर ये बात उन तक पहुंच गई तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। देखिए मेरा दिल बहुत नाजुक है, आपको रोते हुए देख के मैं भी रो पड़ूंगा। आप मत रोइए, गलती मेरी है, मुझे ही रोने दीजिए। जब तक आप कपड़े नहीं उतारेंगे मैं रोती ही रहूंगी। लेकिन मैं सबके सामने कपड़े उतार कर आपको कैसे दे सकता हूँ? नहीं, वो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। अच्छा अच्छा, आप रोइए मत, मैं देता हूँ देता जल्दी धोकर लाना। मैंने कहा था ना मैं उस कबूतर को नंगा कर दूंगी। ये रहे उसके कपड़े, मैं शर्त जीत गई। चल निकाल पैसे। Thank you.
नहीं भाई। चार्ली बोलो। अच्छा चार्ली भाई, बात वो नहीं है, कुछ और ही है। क्या है? थोड़ी देर पहले मेरे पास एक लड़की आई थी। लड़की? हाँ। उसने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए होंगे। हाँ। बाद में रोते रोते उसने बोला होगा, भाई मैं तुम्हारे कपड़े धोकर लाती हूँ। वो लड़की कभी नहीं आएगी। वो लड़की कभी नहीं आएगा। तुम्हें कैसे मालूम? यहाँ अच्छे अच्छे लड़के नंगे हो चुके हैं, मैं भी हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? जो मैंने किया था। ये क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया। इसे क्या करूं? लपेटो लपेटो और चलो मेरे साथ। यही है हमारा रिलीफ कैंप। ओम जय सुमन देवी, मेरी प्यारी सुमन देवी। डार्लिंग, जब तुम हंसती हो तो गोभी का फूल दिखती हो, पर जब तुम अपने प्यारे मोटू को डांटती हो तो करेला दिखती हो। दोस्तों, ये है रवि, हमारे कैंप का नया मेंबर। चार्ली, क्या ये लोग भी मेरी तरह सुमन के शिकार हैं? मैं सुमन का शिकार नहीं, इसके हुस्न का शिकार हूँ। इसके लाल लाल टमाटर जैसे गाल, हाय सुमन, इसकी लौकी जैसी गर्दन, हाय सुमन, इसकी ककड़ी जैसी पतली पतली बाहें, हाय सुमन, सो स्वीट, इसकी भिंडी जैसी पतली पतली उंगलियां। ये लड़की है या सब्जी मंडी? अरे यार, ना ही वो लड़की है और ना ही सब्जी मंडी, वो तो स्वामी दाता है, बुलेट है। क्या बताऊं दोस्तों, उसके प्यार में इस चौनी का वो हाल हुआ,